और दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो सच जिसे आप खुद जानते भी हैं, अपने जीवन में उतारते भी हैं। मैं खुद भी जानता हूँ, मैं भी उतारता हूँ, लेकिन हम उसके पीछे की सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, परफेक्शन के लिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन आपको पता है ओनली अ परफेक्ट मैन कैन डू अ प्रैक्टिस। यदि एक परफेक्ट इंसान नहीं होगा, यदि एक हेल्दी इंसान नहीं होगा, तो आप कितनी भी प्रैक्टिसेज कर लीजिए, उसका सफल परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। वो पहला सुख निरोगी काया इसी बात पर कहा गया है कि जब तक हम जीवन में अपने आप में परफेक्शन नहीं लाते हैं, अपने आप में परफेक्शन लाने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं दे सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस के लायक नहीं हो सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं बन सकते हैं। यदि आप हमेशा कम परफेक्शन के साथ में अपने काम में लगेंगे, तो आपको रॉन्ग प्रैक्टिस की आदत हो जाएगी। और हमेशा 100% परफेक्शन उन्हीं को मिलता है जो शिद्दत के साथ अपने प्रैक्टिसेज में लगते हैं, अपने खुद के शरीर का ध्यान रखकर, खुद की मस्तिष्क का ध्यान रखकर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो स्वस्थ होते हैं वही परफेक्ट मैन बन सकते हैं। और उन्हीं की प्रैक्टिसेज आप परफेक्शन को हमेशा परिणाम के रूप में देखती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सच बात है हम कितना भी अपने आप को किसी काम के लिए तैयार कर लें, लेकिन यदि उसमें परफेक्शन नहीं आएगा, जब तक उसमें हम लोग अपने आप को परफेक्ट साबित नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पर हमारी रॉन्ग प्रैक्टिस या बेड प्रैक्टिस ही हम पर हावी होने लग जाएगी। अपने जीवन में आप चाहे जो भी करें, हम कुछ भी करें, लेकिन हमारी प्रैक्टिसेज जो हैं उनको 100% अपने परिणाम तक पहुंचाने के लिए हमें खुद में भी परफेक्शन इतना तो लाना पड़ेगा कि हम उन प्रैक्टिस करने के लायक हो सकें, खड़े हो सकें। आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप अपने घुटनों पर खड़े नहीं हो रहे हो, अपने पैरों पर खड़े नहीं रहे हो, और फिर आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ से जाकर आज 5 किलोमीटर की दौड़ करके आनी है, आप किस तरह से अपना परिणाम दे सकते हो, आप किस तरह से वो दौड़ पूरी कर सकते हो। आपसे कहा जाए कि आज आपको खाना खाना है, एक तरफ आपका पेट दर्द कर रहा है, और फिर आपसे कहा जाए कि आज आपको इतना सारा खाना खाना है, आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लें उस दिन, लेकिन आप अपने परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकते। आप शाम को जितना आपसे कहा गया उतना आप खाना नहीं खा सकते। ये निश्चित है कि यदि आपको अपने परिणाम, अपने मंजिल में सफल होना है, अपनी सफलता को प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी बनना पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी में परफेक्शन लाना पड़ेगा। जिस तरह से अभी वर्तमान के समय में हम लॉकडाउन में अपने घर पर रहकर जी रहे हैं, हम अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को उस विषाणु के, उस वायरस के खिलाफ तैयार करना है, या हमें किसी भी बीमारी के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो पहले आपको अपने आप के प्रति सजग रहना पड़ेगा, तभी आप किसी भी प्रैक्टिस को उसके 100% परिणाम की ओर ले जा सकते हैं। शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपको देखकर मुझे अपने आप में परफेक्शन लाने की आदत सी हो गई है, और ये आदत बरकरार रहे ऐसा मेरा आपके साथ विश्वास बना रहे। शुक्रिया।